कांग्रेस नेताओं द्वारा सांसद के लगाए पोस्टरों को भाजपा जिला महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव और कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए और बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। नहीं, बता भाई साहब, क्यों फाड़ रहा भाई साहब? टाइम कम है, बड़े आदमी गलत चीजें लिखी है ना। क्या गलत लिखा भाई साहब? भाई साहब, आज ये पोस्टर जो कांग्रेस द्वारा लगाए गए थे, आप इन्हें क्यों फाड़ रहे हैं? इनके ये चार सवाल जो इन्होंने किए हैं, अब ये पहला सवाल इन्होंने किया सुषमा जी विदिशा का, किसान बदहाली से। मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार किसानों के लिए कितना काम कर रही है, ये किसान खुद बता सकते हैं। आज हम किसानों को खुशहाली देने के लिए हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। आप देखिए, उन्हें हमने सूखा राहत का पैसा दिया, पिछले वर्ष उन्होंने जो अनाज बेचा था, गेहूं बेचा था, उस गेहूं के भी हमने 200 रुपये दिए। वर्तमान समय में हम किसान समृद्धि योजना के तहत 265 रुपये हम दे रहे हैं। किसानों की संदर्भ में जो बात लिखी वो भी उन्होंने गलत लिखी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। हमने कई प्रयास किए हैं, हमारी सरकार ने 110 योजनाएं चलाई हैं, युवाओं के संबंध में भी सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, उनके युवा प्रयास भी कर रहे हैं, और साथ में लोन की भी हमने कई योजनाएं चलाई हैं, उसके माध्यम से युवाओं को हम रोजगार खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, और रोजगार मिल भी रहा है। ऐसा नहीं है, उन्होंने पिछड़े जिले को शामिल होने की बात कही है। कुछ पॉइंटों पर हम पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन उनको भी हमने अगले में शामिल करने का हमारी कार्रवाई चल रही है, और संभव है कि हमारा जिला मूलतः पिछड़ा नहीं है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में यदि हम देखा जाए तो आप हमारे आंकड़े उठा के देख लो, कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनसे हमें सहयोग भी मिलना चाहिए उनमें जरूर। जैसे शिक्षा वाला मामला आया, बच्चे के पढ़ाई के संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि चौथा सवाल उन्होंने पूछा है कि चुनाव जीतने के बाद सुषमा स्वराज जी विदिशा नहीं आती हैं। विदिशा आती हैं, भोपाल सुनिए, ये बहुत बड़ा बड़ी कॉन्स्टिटेंसी है, संसदीय क्षेत्र में आना चाहिए। एक थोड़ा सा बीमार भी हो गई थी वो, उनका किडनी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अलग बदली है, उसके चलते वो कुछ समय से नहीं आई है। अरविंद जी, एक सवाल।